एक चाय देना। 3 महीने से मैं ठीक से सो नहीं पा रहा हूं। मुझे बहुत नींद आ रही है। जब भी सोने की कोशिश करता हूं तो अंदर से आवाज आती है। सुनिए, ऐसी आवाज आती है सर। आप भूत प्रेत में विश्वास करते हैं? पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है। सुदर्शन सर। सुदर्शन भाई, जब हमें डर लगता है तो हम हनुमान चालीसा का जाप करते हैं। हाँ सर। अगर तुम इस भूतिया घर के डर से बाहर निकलना चाहते हो तो आज मैं तुम्हें हनुमान जी की एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। कोमती नल्लागुड़ी, दोनों गांवों के लोग मिलाकर के भी वो 10,000 की तादाद से कम थे, लेकिन 30 सालों से गांव में दुश्मनी चल रही है। नरप्पा रेड्डी के साये में है कोमती और बसी रेड्डी के हाथों में है नल्लागुड़ी। इन दोनों के झगड़ों की वजह से दोनों गांव अलग हो गए। कोमती में जो दंगा हुआ था वो 30 साल पहले था। सिर्फ 5 रुपए के फैक्शन की वजह से किसी ने नहीं सोचा था कि वो एरिया बंजर बन जाएगा। कोमती के सरहद पर सेगल मिट्टू ताश खेलते वक्त बहस छिड़ गई। बसी रेड्डी खेल हार गया था और उसके पास सिर्फ 5 रुपए बचे। नल्लागुड़ी वाले बहुत ही धोखेबाज होते हैं, ना ही वो कभी जीतते हैं ना ही पैसे देते हैं। क्या बे, तू कुछ ज्यादा ही बोल रहा है? मुझे इतना जोश क्यों दिखा रहा है? चुपचाप पैसे दे और निकाल। मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। इस तरह 5 रुपए के फैक्शन का नाम पड़ गया था। फिर नरप्पा रेड्डी ने बसी रेड्डी के आदमियों को मारा। इस बात से नाराज होकर बसी रेड्डी ने नरप्पा रेड्डी के पिता तिमार रेड्डी का खून कर सरे बाजार में। गुस्से में आके नरप्पा रेड्डी ने बसी रेड्डी के पिता लक्ष्मण रेड्डी का खून कर दिया। मैं तुम्हारे पिता जैसा हूँ बेटा, तो उन्हीं के पास चले जाओ। जैसे हर त्योहार में लोग नए कपड़े पहनते हैं, उसी तरह इस गांव में हर मौके पर एक दूसरे का खून बहाया जाता है। बसी रेड्डी कोयले के धंधे से अच्छा खासा कमा लेता था, अब वो राजनीति में आ गया है और बिना किसी प्रतिद्वंदी के जीत जाता है। उसके खिलाफ खड़े होने के लिए अपोजिशन पार्टी को नरप्पा रेड्डी की बहुत जरूरत थी। उसे मनाने के लिए पार्टी वालों ने रीजनल इंचार्ज को वहां भेजा। न्यूज तो कहती है कि नरप्पा रेड्डी की तरफ काफी लोग हैं। अरे इस पे तो एक कविता भी लिखी है। क्या कोमती के तूफान के सामने नल्लागुड़ी खड़ा हो पाएगा? मैं खड़ा नहीं हुआ क्या? नरप्पा रेड्डी और उसकी पत्नी अपने बेटे की शादी के प्रस्ताव का इंतजार कर रहे थे, जो लंदन से 12 साल पढ़ाई करने के बाद इंडिया वापस आ रहा है। बसी रेड्डी का बेटा बाल रेड्डी भी उसका इंतजार कर रहा है। ये क्या पिताजी, ट्रेन में ब्रेक नहीं है क्या? स्टेशन से पहले ही चेन खींच के रोक ली।
स्टेशन का इंतजार कौन करता बेटा? ये बात है। चल चलते हैं, आजा। क्यों काका? सब कुछ ठीक तो है ना? इलेक्शन का टाइम चल रहा है, हमें 2 महीने के लिए ढंग से रहना होगा। वैसे बसी रेड्डी की आजकल काफी चल रही है। पार्टी की वजह से बसी रेड्डी पावरफुल हो गया है, लेकिन हम तो पहले से ही हैं, तो शांत रहना। बेटा क्या हुआ? पिताजी नीचे झुक जाइए। जोश किसी जवान खून का लगता है। नारप्पा रेड्डी का बेटा है क्या? Bye!
मार डाला उसने। मंदिर का कोई मतलब नहीं है,
कितनी चिताएं सजा दी तूने, जीवन भर के लिए आंसू दे दिए। हमें भी बहुत काम करना बाकी है मालिक। छोटे मालिक, छोटे मालिक, ए छोटे मालिक, मालिक उठ जाइए मालिक, मालिक, छोटे मालिक, छोटे मालिक, तलवार फेंक दीजिए मालिक, हमें अंतिम संस्कार के लिए जाना है। छोटे मालिक आप ही समझाइए ना माँ जी। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें बहुत प्यार से पाला है, अब तुम्हारी बारी है कर्ज अदा करने की। वीरा, कम से कम तू तो अब ये सब यहीं रोक दे बेटा। हैदराबाद से सुदर्शन रेड्डी का फोन है। आप बोलिए, छोटे मालिक सुन रहे हैं। सॉरी बेटा, तुम्हारे पिताजी के अंतिम संस्कार में मैं नहीं आ सका। हम सब अभी तक सदमे में हैं। तुम्हारे पिताजी को खोना हमारी पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। अब तुम्हें इस काम को पूरा करना होगा। यहाँ कुछ काम है, वो पूरा करके तुमसे मिलने आऊंगा। ठीक है बेटा? यही सही वक्त है, बसी रेड्डी के बेटे को मार देते हैं। पूरे गांव हमारे मुट्ठी में होगा। इसी तरह बसी रेड्डी ने पूरे गांव पे अपना कब्जा किया था। हमें और इंतजार नहीं करना चाहिए छोटे मालिक। ए! ये गांव मेरा घर है या मेरा घर गांव है? बसी रेड्डी के बेटे को मारने से या उसके पोते का सर काटने से तुम्हारा गुस्सा ठंडा होगा? चलो निकलो, निकलो यहाँ से। अठारह साल का ही था जब वो खुद उसे घर लेकर आया था शादी करने के लिए। सुगना, मेरी प्यारी सुगना, फिर जब तुम पैदा हुए तो ऐसे गर्व महसूस करता मानो उसने तुम्हारी माँ को जीत लिया हो। पर फिर उसे अकेला छोड़ लोगों को जीतने में लग गया। उसे लगा कि वो लौट आएगा, लेकिन 25 सालों तक उसकी राह देखती रही। 30 साल पहले एक लड़ाई में तुम्हारे दादाजी शहीद हो गए थे। तलवार उठाना उनकी मजबूरी थी। अगर तुम्हारे पिताजी ने तलवार उठाई तो मजबूरी में, और 10 दिन पहले तुमने भी वही तलवार उठाई, ये तुम्हें विरासत में मिला है। लेकिन कहीं ये तलवार तुम्हारी औलाद के लिए श्राप ना बन जाए। ध्यान रखना, मुझे यही सोचकर डर लगता है, इसे रोकना होगा। तुमने कभी तलवार नहीं उठाई थी वीरा, लेकिन ये तुम्हारे खून और रगों में था। हमें इस बारे में विचार करना होगा। ये कब तक चलता रहेगा? बस करो अब, जो हो गया सो हो गया। इस खून खराबे को यहीं रोक दो। ठीक है, छोटे मालिक आ गए। नमस्ते छोटे मालिक। तुम कौन हो? ये नागमणि है छोटे मालिक, शिवाय की पत्नी। ऐसी हालत में इतनी दूर चलकर क्यों आई? क्या कहना है तुम्हें? डरो नहीं, साफ साफ कहो। कल रास्ते में मेरे पति का झगड़ा हो गया, पुलिस वालों ने केस बनाकर अंदर डाल दिया। वो घर वापस आ जाएगा, मैंने लॉयर से बात कर ली है, उसे जमानत मिल जाएगी, तुम घर जा। नहीं नहीं छोटे मालिक, उनकी जमानत मत करिए। अरे राम रेड्डी, जाकर तकिया लेकर आओ।
छोटे मालिक, लोगों में बातें हो रही हैं कि वो बसे रेड्डी के बेटे को मार डालेगा अगर वो जेल से बाहर आ गए, और उसके बाद अगर वो नल्लाकुटी चले गए तो उनको पता नहीं चलेगा उनको बेटा हुआ है कि बेटी। उनकी जमानत मत करवाना छोटे मालिक, कतई नहीं। अगर जेल में रहे तो कम से कम अपने बच्चे को देख तो लेंगे। जेल से जब भी बाहर आएंगे तो आपके लिए तलवार उठाएंगे। यही मेरी किस्मत है। ऐसा मत करना छोटे मालिक, उन्हें जेल से बाहर मत आने देना। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। जिंदगी में हर इंसान को हार जीत का सामना करना पड़ता है। जिस दिन ये खून खराबा खत्म हो जाएगा उसके बाद कभी कोई नहीं रोएगा। जीतने वाला भी रोता है और हारने वाला भी। जिसका दिन होता है उस दिन वो जीतता है। लेकिन वीरा, जो युद्ध होने से रोकता है वो सबसे बड़ा होता है, बहुत बड़ा। पहले जबरदस्ती उन लोगों ने हमें तुम्हारी शादी में बुलाया। तुम्हारी शादी से पहले मैंने अपना पति खो दिया, बस अब और सहन नहीं होता। बस बस बहुत हो गया। उसकी शादी करवाने से अच्छा है जिंदगी भर उसे घर में कुंवारी ही बिठा कर रखें, जान तो बचेगी। और तुम क्या सोच रही हो, कौन लगाएगा बिंदिया? हाँ, ये पूरा घर तो विधवाओं से भरा पड़ा है ना। पूजा घर में जा और टीका लगा ले, जा जा। तुम्हारे पिताजी की चिता ठंडी भी नहीं हुई है और तुम इस तरह से जा रहे हो। अगर मैं यहां रुका तो पिताजी के दुख में बह जाऊंगा, उनके कातिलों का बदला लेने की सोचूंगा। और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है मां, क्या करूं? मैंने अपनों के लिए तलवार उठाई थी तो क्या अपनों के लिए तलवार फेंक नहीं सकता? जाने दो मुझे। वीरा, सुबह सुबह कैमरे से खेल रही हो? मेरी शादी करवा दो ना, फिर मेरी गोद में खेलने के लिए बच्चे होंगे। अगर ये पहले कर देते तो अच्छा होता। बेवजह लाखों खर्च कर दिए तुम्हारी डॉक्यूमेंट्री के कोर्स के लिए। समझ में नहीं आता क्या करती रहती। मैं वही प्रैक्टिस कर रही हूँ, आप निकलो यहाँ से। ऐसे बात करते हैं अपनी माँ से, शर्म नहीं आती? सॉरी मम्मी, डैडी को कॉफी चाहिए। कितने लोग हैं? बस एक ही अच्छी कॉफी चाहिए। पापा ने कहा एक परफेक्ट कॉफी और काम बन जाएगा। ए, कॉफी कैसे बनाते हैं सीख लेना। तुझे आती है क्या? स्टेडियम में वी वांट सिक्सर चिल्लाने वालों को क्रिकेट खेलना आना जरूरी है क्या? उन्हें मैच देखने का शौक तो होता है, और वैसे भी तुम मुझसे एक साल पहले पैदा हुई हो। यू आर वन ईयर सीनियर टू मी। तो क्या कर लिया तुमने? व्हाट हैव यू डन एग्जैक्टली? पूछ उससे। शोइंग हर इंडेक्स फिंगर इन अ थ्रेटनिंग वे। हाँ, राधिका का फोन है अमेरिका से, ये कॉफी दे देना। क्या है, इडली चाहिए नाश्ते में? वो सब नहीं मिलने वाला। खाइए। मिल रहा है ना? मेरी बेटी अरविंदा। नखरे मत दिखा। नमस्ते। क्या है? चलिए मुंह। क्या केस है? अटेम्प्ट टू मर्डर सर। चलो ये बताओ कि खून किसने किया? अब अरे कैसे मारा ये नहीं पूछ रहा हूँ, पूछ रहा हूँ कि किसने 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 मारा। ओ, इन्हें यहाँ किस लिए लाए?
सर ये हमारा भाई है, ये ऑर्डर देता है और ये काम करता है। फिर यहाँ किस लिए आए? सर इसने अपने भाई का नाम पुलिस स्टेशन में दे दिया है। फिर तुम यहाँ किस लिए आए? सर इनका पूरा फाइनेंस मेरे हाथ में ही होता है। ये बात पहले क्यों नहीं बताई है? तुम दोनों बाहर जाओ, जाके बैठ जाओ, ठीक है? ठीक है, जो बोलना है बोलो। तुम उसके भाई हो तो तुम कुछ कहना चाहोगे? पान खाइए। पान खाइए? पान। डैडी। हाँ बेटी। मैं कॉलेज जा रही हूँ। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? उकड़पल्ली सर। हाँ, ये जुबली हिल्स जा रही है, इसे ड्रॉप कर दोगे? रास्ते में ही पड़ेगा। अच्छा, वो हमारे रास्ते में कैसे पड़ेगा? हाँ भाई, उकड़पल्ली तो इस तरफ है और जुबली हिल्स तो उस तरफ है। लेकिन तुम्हारा केस तो इस तरफ है। मैडम आपके लिए सीट ओके है ना? हाँ ठीक है। मैडम एसी तेज करो क्या? I'm fine. Thank you. पान खाइएगी मैडम? पान? पान? I don't have a habit. ओके मैडम, सुपारी? नहीं चाहिए? दे दीजिए। थैंक्स। सीट ओके थी, एसी भी ओके था। सुपारी दो प्लीज। थैंक यू। ऐसे लोगों के साथ कॉलेज आएगी तो तुझे लाइन कौन मारेगा? सही बात। मेरे डैडी, ये सब मेरे डैडी की वजह से हुआ है। मैडम देख वो बुला रहा है। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते नमस्ते। कोमती के नरप्पा रेड्डी को जानते हो? उसकी माँ ज्यादा दिन जी नहीं पाई, उसकी बीवी कभी आवाज नहीं उठाती है, उसके बेटे को पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे लगता है उसकी एक आंटी है। हाँ, है ना? हाँ, इस बार उसे ट्राई करते हैं। ठीक है सर, सिंपथी भी मिल जाएगी। सर राघव रेड्डी का फोन है। हाँ। 6 महीने सोचकर किसी नतीजे पर आऊंगा। पॉलिटिक्स में कोई नई टेक्निक मत इस्तेमाल करना, सोल्यूशन क्या है मैं बताऊंगा। फिर भी तुमने दखल अंदाजी की तो बसी रेड्डी को जिस तलवार से काटा था वो साफ नहीं किया मैंने। रखता हूं। ये सब क्या है? गैरेज ले जाने से पहले ही ये 3 बार रुक चुकी है। मेरी नंबर 1 गाड़ी है, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। एक्सक्यूज मी, ये कार मैं खरीद रहा हूँ। अच्छा मत खरीदिए। इस कार के फ्यूल टैंक में एक डेंट है। इसके सारे पार्ट्स, लाइट, बोनेट, यहाँ तक कि साइड की सीट भी रिप्लेस की गई है, सिर्फ इस कंपनी के लोगों को छोड़कर। ये क्या है? बेचने वाला, खरीदने वाला, मैकेनिक सब राजी है। तुम कौन होते हो? मैंने तो ऐसे ही कहा था। भाई साहब मेरा फोन आ रहा है। हेलो, कहाँ था ना फोन है? हेलो, कहाँ हो तुम भैया? हेलो, कितने बेईमान लोग हैं सर, अगर आप थोड़े से भी लेट आते तो मैं 5 लाख रुपए गवा देता। सर मेरा गैरेज यहीं पर ही है, चल के मेरे साथ चाय पीजिए ना। नहीं रहने दीजिए सर, प्लीज मेरे लिए आइए सर। ए सर के लिए एक चाय लेकर आओ। ला रहा हूं भैया। रात में मेरे आदमी ने उस कार को चेक किया था लेकिन उसे कुछ भी नहीं पता चला, फिर आपको कैसे पता चल गया? मेरी कार है, कुछ दिन पहले एक लड़ाई में टूट फूट गई थी। अच्छा, इसीलिए आपने कार को बेच दिया? लड़ाई के वक्त मैं कार के अंदर था। ये क्या बात कर रहे हैं आप? एक बात कहूं, मुझे साइड का दरवाजा भी ठीक नहीं लगा, मैंने उखाड़ा था। आपने कहा था कि फ्यूल टैंक में डेंट है, मतलब जोरदार टक्कर हुई होगी। बड़े पत्थर से टकराया था। बड़े पत्थर से कैसे टकराएगा सर? एक बॉम्ब फटा था उसकी वजह से। बॉम्ब फटा था? पर आप तो बिल्कुल ठीक है। मैं तो ठीक हूँ, पर पिता की मौत हो गई। ओह सॉरी सर। इलेक्शन कमीशन ने भी मुझसे यही कहा,
और 6 महीने के लिए इलेक्शन पोस्टपोन किया। तो अब आप क्या करेंगे? गर्म होने के बाद इसमें पानी डालना पड़ता है। तब तक मैं क्या करूंगा? इंतजार करेगा। मुझे भी यही करना होगा, इंतजार। इतनी देर से हम बात कर रहे हैं और आपका नाम तक नहीं पता, बताइए। राघव भैया जाए। नीलांबरी। मेरा नाम थोड़ा विचित्र है इसलिए मेरे पिताजी ने यही रखा। मेरा नाम विचित्र है सर, मैं विचित्र नहीं हूं। मैंने कई बार ऐसे किस्से सुने जो बहुत अद्भुत होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जया विजया, आपको याद होगा कितना सिंपल केस था। हालांकि उस केस में कोई तकलीफ नहीं थी। व्हाट डू यू से? तुम्हारा केस गया काम से, कल तुम्हारा फैसला आएगा। कम से कम तो 3 साल के लिए। ये 3 साल क्या बोल रहा है तू? छुट्टियां तो सिर्फ कुछ ही दिन के लिए होती हैं, जैसे बैसाखी की छुट्टियां, क्रिसमस के लिए 2 दिन और दशहरे के लिए 9 दिन की छुट्टी। ऐसे कैसे सर, दशहरे में सिर्फ 3 दिन मिलते हैं। अरे 1 महीना तो मैं कम कर सकता हूँ ना। अरे सर, वो अच्छे लोगों के लिए होता है, इनके लिए नहीं। इतना नेगेटिव क्यों सोचता है तू? सॉरी सर। सुनो भाई, अगर तुम अपनी दाढ़ी मूछें बढ़ा लोगे तो हम तुम्हें जल्दी बाहर निकाल देंगे, क्योंकि तुम इससे अच्छे दिखोगे। और अगर इन्हें ज्यादा सुपारी खाने से कैंसर हो जाए तो हम पिटीशन फाइल कर सकते हैं। और ये जो बैठे, इनको डिपेंड रहने की जरूरत ही नहीं है, ये इतने दमदार हैं, खुद ही बाहर आ सकते हैं। ठीक है ना डैडी? मैं पार्टी पे जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? बंजारा हिल्स। बंजारा हिल्स तो ऑन दी वे है, हम छोड़ देंगे। नहीं रहने दो, वो अपने कार से चली जाएगी। बेटी तुम जा सकती हो। मैडम हाय। रुको, अरे काम आ गई हो। गई होगी। वो 6 लोग हैं। हर वक्त झगड़ने की क्या जरूरत है? जब जिसका दिन होता है वो उस दिन जीत ही जाता है ना, लेकिन जो झगड़ा करने से खुद को रोके वो बहुत बड़ा इंसान होता है। पीछे हटने में आखिर बुराई क्या है? पांडव जो अपने एक हाथ से कईयों को मार सकते थे, उनकी उन पांडवों की सिर्फ एक ही बीवी थी, द्रौपदी। कृष्णा, कभी उनको चाकू पकड़ा हुआ देखा है क्या? और उनकी 2 9 बीवियां थी। समझ में आया क्या? हर वक्त झगड़ा जरूरी नहीं होता। पिताजी की तरफ से आप सबसे माफी मांगती हूँ। प्लीज सुपारी यहीं पर खत्म कर देते हैं। ओके
दो ना प्लीज। कौन सी सुपारी? तुम्हारे पिताजी ने हमें टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया है और तुम कह रही हो कि सुपारी दो। केस हारने के बाद तुम्हारे पिताजी एंजॉय करने जाएंगे, केस को भूल जाओ। क्या हम तुम्हें कार्टून जैसे नजर आते हैं? बातों में समय नष्ट मत करो भैया। हेलो, तुम अपना काम करो, हमें जो काम करना है वो हम कर लेंगे। सुनो, एक मिनट रुको, कल सुबह कोर्ट पहुंचना है, थोड़ा सा वक्त दे दो। मुझे रात को शहर छोड़कर जाना है, मेरे पास भी वक्त नहीं है। तुम मुझे समझ में आए तो ठीक, अगर आधे समझ में आए तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। मुझे फिल्म का आधा हिस्सा ही दिखाओगे तो मैं सीट को फाड़ दूंगा। चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं, उम्मीद है ये देखकर समझ जाओगे। एक अकेली लड़की बिल्कुल इसकी तरह, घनी अंधेरी रात में एक गैरेज में आकर छिप गई है। यही है वो गैरेज। हाँ? और उसी वक्त कुछ 6 गुंडे उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच जाते हैं। ये क्या कर रहे हो ब्रदर? तुम 6 लोग हो ना? हाँ? तुम्हारे लिए 6 हथियार बना रहा हूं। 6 हथियार? आप ये 6 रेंच यूज क्यों नहीं करते बॉस? मुझे डाउट है कि इन 6 रेंच से तुम्हारी कहानी खत्म नहीं होगी। इतनी भी बड़ी स्टोरी नहीं है ब्रदर। मैं बताता हूँ, 6 लंबे चौड़े गुंडे आए हैं। किस लिए आए हैं? उन्होंने कान की बाली देखी थी। शिट। उस बाली का क्या करोगे? फंस गए। तुम इस लड़की को जानते हो? है ना, उसे वो रिंग वापस करने। बस यही काम था? इतना ही काम था? पान खाओ ना, पान। सुपारी खाओगे? सुपारी? मुझे लगता है कि ब्रदर को इस तरह की बुरी आदतें नहीं है। हम लोग काम करते हैं, यहाँ से निकल जाते हैं। पान तुम खाना। ऐसे मौके पर इंग्लिश में कुछ कहते हैं, लेकिन फिलहाल मुझे याद नहीं आ रहा। थैंक्स क्या? वो मैं नहीं बोलती। एक्चुअली वो तुम्हें मुझे बोलना चाहिए। अगर उस वक्त मैं तुम्हें नहीं रोकती तो तुम तो डिशम करते। नाम क्या है तुम्हारा? सिर्फ नाम ही या फोन नंबर, घर का एड्रेस भी चाहिए? मैंने तो बस ऐसे ही पूछा। लेकिन मैं इतनी आसानी से नहीं बताती। तुम थोड़ा दूर जा सकते हो, मुझे थोड़ी स्पेस चाहिए। थोड़ा सा। चाहो तो सारी जगह यूज कर लो। आज सुबह ही तो हैदराबाद आए थे और रात को ही मुंबई निकल रहे हैं। कुछ वक्त मेरे साथ क्यों नहीं रुक जाते सर? हमारी छुपने की 2 जगह हैं, या बैंगलोर या हैदराबाद। मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। हाँ रुको 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 रुको। हाँ लाइसेंस दिखाओ। क्या हुआ सर? ड्रिंक एंड ड्राइव चेकिंग सर। हम लोग आपको क्या पीओए लगते हैं सर? हम लोग बहुत शरीफ हैं। हाँ तो साबित करके चले जाओ। तो आप चाहते हैं कि हम ये बात फूंक कर साबित करें? नीलांबरी जी, क्या हुआ? एक बार उसमें फूंक दीजिए ना। वो कोई बांसुरी नहीं है सर जिसमें मैं फूंक दूं। ऐसा किया तो बीमार हो जाऊंगा। जरा सामने तो देखिए, देख रहे हैं ना वहाँ पे कैसे कैसे लोग आके फूंक मार रहे हैं। लेकिन ये रूल है ना। यही तो आपका प्रॉब्लम है सर। आप कौन है? मैं वीर राघव रेड्डी। हाँ तो याद कीजिए आपने कितनी बड़ी लड़ाई जीती है। ये तो आपके लिए बहुत छोटी सी लड़ाई है। इसमें फूंक मारी है, पीछे बहुत बड़ी लाइन है। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। अरे नीलांबरी जी, एक बात बताइए, अगर इसमें फूंकता हूँ और नेगेटिव आता है तो क्या आप सॉरी बोलेंगे? अगर ट्रेन मिस हो गई तो क्या फ्लाइट बुक कराएंगे? अगर मेरे फूंक मारने से मैं बीमार पड़ गया तो क्या आप इलाज करा के देंगे मुझे? नीलांबरी जी, एक मिनट सर, एक मिनट रुक जाइए। बताइए, अभी फूंक चेक करेंगे, फिर आप मेरा लगेज चेक करेंगे, टिकट चेक करेंगे, आधार कार्ड चेक करेंगे, मेरा पासपोर्ट चेक करेंगे, है ना? अरे आने दो उनको भाई, आगे आने दो। मुझे आपके एहसान की जरूरत नहीं है सर। क्या पता बैग में शराब की बोतल रखी हो, क्या पता बीच सफर में ट्रेन के बाथरूम में छिपकर मैंने शराब पी ली तो हो सकता है, इसलिए आप बढ़िया है कि चेक कर लीजिए। नीलांबरी जी, अरे क्या करें? लीजिए, चेक कीजिए ना। सर इसकी बैग में गन है। ये क्या हो गया सर? आपने उस मैकेनिक को देखा तो वो भाग गया, और मैंने आपका साथ दिया तो मुझे अरेस्ट कर लिया।
हर चीज में लॉजिक नहीं होता नीलांबरी जी, इसीलिए पूर्वजों ने कर्म नाम की चीज का इजाद किया। अब ये लोग मेरे कर्म में लॉजिक निकालेंगे, अगर आप मेरी थोड़ी सी भी इज्जत करते हैं तो प्लीज सर मुझे बेल दिला दीजिएगा। सर प्लीज सर। ये नीलांबरी कौन है तुम्हारा, रिश्तेदार है क्या? नहीं। फिर दोस्त है क्या? मैं उससे सुबह मिला और वो रात को अरेस्ट हो गया। हाँ, पर क्यों? उसके बैग में गन थी। तो फिर तुम उसके बारे में चिंता क्यों कर रहे हो? वो बैग मेरा था। तो तुमने ये बात पुलिस को क्यों नहीं बताई? क्योंकि उस बैग में गन थी। लेकिन तुम उसके लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हो? जो मुझ पर विश्वास करे उसे धोखा नहीं दूंगा, उसे जेल से निकालना ही होगा। मैंने सुना है आप फेमस क्रिमिनल लॉयर हैं। अरे तो तुम अपने आप को सरेंडर क्यों नहीं कर देते? मेरा बाहर रहना बहुत जरूरी है और उसका जेल से निकलना भी। सुनो, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस है, डिटेल्स जरा ठीक से लेना। क्या हुआ बेटी? अरे तुम्हें ये क्या हो गया? क्या हुआ? लो कॉफी पी लो, लो लो ना। अरे क्या हुआ, कुछ कहोगी भी तो? अरे बेटी मैं बस अभी आया। बच्चे को चढ़ गई है। ओ नहीं नहीं, क्या बोलते हैं उसको, वो क्या आ रही है? हाँ एक मिनट, देखना हिचकी। हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट, हाँ हिचकी आ रही है। बालू। यस सर, एक मिनट। सर ये केस बहुत अच्छा है, हम इससे लाखों पैसे कमा सकते हैं। हम उसके दोस्त की बेल फ्री में करवाएंगे, लेकिन एक शर्त। रिएक्ट मत करो, सुनो। उससे कहना कि उसे मेरे घर पर ही रहना होगा। हाँ, उसे नौकर की तरह काम करना होगा, उसके बाद सिक्योरिटी। ये क्या बकवास कर रहे हो? हम उसे फैमिली मेंबर की तरह समझेंगे। आराम से। मैं आराम से ही बोल रहा हूँ। चीजें स्मूथली हैंडल करना सीखो, ये मत भूलो कि तुम मेरे असिस्टेंट हो। अगर क्लाइंट केस लेकर आता है तो लॉयर उससे क्या लेता है? फीस। लेकिन मेरे बॉस आपसे एक फेवर चाहते हैं, उन्होंने तो सुपारी गैंग को भी पागल बना दिया। उनकी बेटी को कॉलेज ड्रॉप करवाओ, घर के लिए सब्जियां लेकर आओ, बीवी को एग्जीबिशन लेकर जाओ, लोगों का पूरा इस्तेमाल करना आता है उन्हें। सुपारी गैंग ने इनके लिए बहुत कुछ किया और ये केस हार गए, पर वो लोग भी होशियार थे। इनके केस हारते ही उन्होंने दूसरा लॉयर ढूंढ लिया और बेल के लिए अप्लाई कर दिया। उनकी पूरी गैंग इनकी फैमिली फोटो जेब में लेकर घूम रही है। अब तो इन लोगों को सिर्फ तुम ही बचा सकते हो। कौन, मैं? तुमने सुपारी गैंग को डराया है ना, यही बात तो शर्मा कर उनकी बेटी अंदर कह रही थी। तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो मुझसे कह देना, वरना वो मोल भाव करेंगे। मुझे उसका नाम भी नहीं पता। इतनी सी बात? उसने कल मुझे बताया नहीं। अरे नाम छोड़ो, उसकी जन्म कुंडली बताता हूँ। लड़की का नाम है अरविंदा, कॉलेज में वो पढ़ाई कर रही है। जिस पढ़ाई में लोगों के पीछे हम नाम जोड़ते हैं, क्या कहते हैं उसे? अरे नहीं नहीं नहीं, जिनकी बड़ी बड़ी मूंछें होती हैं वो लोग सफेद कपड़े पहनते हैं और झगड़े की तैयारी करते हैं। हाँ, फैक्शन। वो क्यों हो रहा है, उसे कैसे रोका जाए, इसी बात की पढ़ाई कर रही है। अब तो तुम यहाँ पे रुकोगे ना? हाँ बस करो, मैंने सेटिंग कर ली है। कुछ बोलिए ना। मेरे लिए ठीक है, हो गया काम। मैं आपके लिए कॉफी मंगवाता हूँ। कॉफी। In a down and a shady bed, a modest violet grew. It's hung its head as if to hide from view. In a down and a shady bed, coffee. A modest violet grew. अगर आपने जरा सी मदद की तो मैं कॉफी पी पाऊंगा। वैसे आप सुनंदा 2.0 updated version. Okay. She's holding the cup from the top and they remove their hands and the problem is solved. इसे अभी आना था। तुझे इन लड़कों से थोड़ा स्पेस बनाए रखना सीखना चाहिए। शो चल। अरे बालू अंकल ने तुम्हें फोर्स किया क्या? नहीं ऐसा नहीं है। उस वक्त तुम कंफ्यूज थे क्या? नहीं। तो तुम रुकने के लिए माने क्यों? उन्होंने पूछा तो ऐसा लगा जैसे किसी गाड़ी चलाने वाले को कोई हवाई जहाज उड़ाने को कह रहा हो। फिर वो तुमने कहा था कि नाम आसानी से नहीं बताओगी। सो तो मुझे लगा कि अगर मैं कुछ अलग करूंगा तो तुम शायद अपना नाम बता दोगे। Hmm.
थोड़ा दूर रहोगे? मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए प्लीज। हाँ थोड़ा उस तरफ सैंडविच बहुत अच्छा मिलता है, सॉस भी ज्यादा देते हैं और प्राइस भी कम है। ओके पता नहीं लाइफ में इतना स्पेस लेके क्या करेगी। अरविंदा, ए अरविंदा सुनो, बात बात पर लोगों को दूर रहने को कहोगी और घर के गार्ड्स की तरह ट्रीट करोगी तो लोगों को गुस्सा तो आएगा ही ना। वन एंड हाफ ईयर से मैं तुमसे प्यार करता हूँ और जब भी मैं तुमसे बात करने आता हूँ तो कहती हो स्पेस रखो स्पेस रखो। मैं तुम्हें कल सुबह तक का टाइम देता हूँ, जवाब नहीं दिया तो सुसाइड कर लूंगा और लेटर में तुम्हारा नाम लिख दूंगा। इतनी हंसी क्यों आ रही है? क्यों? मेरे हंसने से तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है? तुम गुस्सा कर रहे हो, मुझे समझ आ रहा है। अरविंदा जी, मैं शांताराम की तरह शांत हूँ पर तुम अपनी जिंदगी से खुश क्यों नहीं हो? मैं तो खुश हूँ, तुम नहीं हो। क्या हुआ, इतना गुस्सा क्यों? किसने कहा कि मैं गुस्से में हूं? मैं गुस्से में नहीं हूं। बकवास करना बंद करो, आई एम गुड। यही क्यों? तुम्हें कैसे पता चला मैं अंदर से गुस्से में हूं? जो हम बाहर से दिखते हैं वो अंदर से होते नहीं। सैंडविच बहुत अच्छा था ना? टफ तो तुम बहुत लगते हो, बस मेरी बातों को सुनते रहना। एक कॉपी ले लो। राघव जी बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाहर आने के लिए तुम इतने बेचैन थे, अब सुपारी गैंग जेल जाएगा। नल्लागुड़ी के वजीर रेड्डी का बेटा कहाँ वापस आ गया है? हमारे छोटे मालिक यहाँ पर नहीं है और जो बाल रेड्डी है ना वो उनको ढूंढ रहा है। अगर तुम उस गाँव के कुछ लोगों को मार दोगे तो क्या छोटे मालिक लौट आएंगे? माँ जी कुछ भी कहे, मुझे लगता है हमें हैदराबाद जाके सुदर्शन रेड्डी से मिलना चाहिए, नहीं तो छोटे मालिक का पता नहीं चलेगा। अब तो मुझे पेल भी मिल गई है। अब आप उस सुपारी गैंग की चिंता मत कीजिए, आप चले जाइए। जब मेरे पिताजी दम तोड़ रहे थे तब किसी ने पीछे से आकर यहां खंजर से वार किया था। मुझे उस दर्द से तब तक छुटकारा नहीं मिला जब तक मैंने उन्हें मारा नहीं। न जाने इससे उबरने के लिए कितना रोया हूं, लेकिन फर्स्ट टाइम मैं एक ऐसी लड़की से मिला जिसने उस सदमे को भूलने में मदद की, चेहरे पर मुस्कान लाई। जानते हो इसमें अजीब बात क्या है, उसका और मेरा प्रॉब्लम बिल्कुल एक जैसा ही है और इसीलिए जो बात वो कैजुअली बोल देती है मेरे प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। जो इंसान सही वक्त पर बोलता है ना उसकी बात की उतनी कीमत होती है नीलांबरी, और फिलहाल यही सही वक्त है कि अरविंदा बोले और मैं सुनूं। ये लो, ना घर तुम्हारा है और ना घर तुम्हारा है, कोर्ट का है। कोर्ट का? देखा देखा तेरी वजह से क्या हुआ? वजह से नहीं, आपकी वजह से। हाँ मुझे पता है, 25 तुम्हारा लकी नंबर है। ए बालू, ये झगड़ क्यों रहे हैं? ये कोई आसान केस नहीं था मेरे लिए। उस जैकेट वाले का नाम है अमानुल्लाह और दूसरे वाले का नाम है सुभानअल्लाह। दोनों भाई हैं, पुरान पुल में उनका एक बंगला है। प्रॉब्लम है एक्स्ट्रा स्क्वायर फीट, एक फीट ज्यादा इसको चाहिए, एक फीट ज्यादा उसको चाहिए। 20 साल से झगड़ रहे हैं दोनों। एक स्क्वायर फीट के लिए झगड़ रहे हैं? मैं जाकर सॉल्व करके आता हूं। नहीं तुम मत जाओ यार, पिछले 20 सालों से उनसे जो फीस मिली है उसी से ये बंगला बना है। वैसे भी उनका ये फर्स्ट और लास्ट सिविल केस है, ये प्रॉब्लम तो सॉल्व ही नहीं हो रही है। ये दोनों प्रॉब्लम के लिए यहाँ क्यों आए? केस क्लोज होने तक ये बंगला किसी को नहीं मिल सकता, ऐसा कोर्ट का ऑर्डर है। वही नोटिस लेने के लिए ये लोग आए हैं। अरे रे, ये बेचारे बिना घर के कैसे रहेंगे? अरे आप टेंशन मत लीजिए, इन्होंने अपने बंगले के सामने एक फ्लैट रेंट पे लिया है, लोग वही रहते हैं। रेंट पर? अरे
अरे बहुत इज्जत कर ली आपकी, चाहिए चाहिए। उन बेचारे भाइयों के पास उस पुरानी कार और खटारा स्कूटर के अलावा कुछ नहीं बचा, तुमने सब छीन लिया। सब कुछ पैसे के लिए नहीं किया जाता, इस केस से मेरे गुरु का सेंटीमेंट जुड़ा है, इसीलिए इन दोनों भाइयों को आपस में रिटायरमेंट होने तक झगड़ते ही रहना होगा। अमानुल्लाह जल्दी घर खाली करो, सरकार आने वाली है, जाओ जाओ। अरे बैठना। छी, इतने गिरे हुए इंसान। अरविंदा जी, बुरी नजर से मत देखिए, कामसूत्रा लगेगा। नॉर्मल नजर से देखिए, कॉमन सूत्रा लगेगा। मुझे बाहर जाना है, तुम आ रहे हो या तुम्हें और क्रैम्प्स लेने हैं? ये बचपन से ऐसा ही करती आई है, किसी भी बात पे चढ़ जाती है, बहुत जलती है मुझसे। राघव जाओ जाओ, वरना मेरा दिमाग खाएगी। आ रहे हो तुम? जाओ ना। जाओ। राइट ले लो। हमें लेफ्ट जाना है ना? हाँ, वहाँ बहुत ट्रैफिक होगा। ओके। राइट ले लो। छोटे मालिक। मुझे एक छोटा सा काम है, तुम ड्राइव कर लो कि मैं जल्दी आ जाऊंगा। ये सडन प्रोग्राम मत रखा करो राघव, आई डोंट लाइक ऑल दिस। बस एक बार प्लीज। ठीक है, रोको। ओके। नमस्ते छोटे मालिक। नमस्ते छोटे मालिक। ऑर्डर प्लीज। इन्हें ऑर्डर करना नहीं आता और मेरे पास उतना वक्त नहीं है, तुम अपने हिसाब से कुछ भी ले आओ। ओके सर। हमारे गांव वाले सोचते हैं कि आप दुश्मनों से डरकर भाग गए छोटे मालिक। वो जो सोचते हैं सोचने दो, कुत्ता पहाड़ पर चढ़कर भौंकेगा तो उससे पहाड़ को शर्म आएगी। हाँ, शांत रहने में क्या बुराई है? बसी रेड्डी का बेटा बाल रेड्डी आपको मारना चाहता है और मौके की तलाश में है भाई। देखो, जैसे हम बाहर से दिखते हैं वैसे अंदर से नहीं होते। मुझे दिखाई नहीं देता क्या? सॉरी सर। बाल रेड्डी गुस्से में नहीं है, उसे डर है और वो नहीं जानता डर को बयां कैसे करे, इसीलिए मुझे मारने की अफवाह फैला रहा है। प्यार या नफरत करने के लिए चेहरा जरूरी होता है, इसलिए यहां है ताकि दुश्मन मेरा चेहरा ना देखे। कितने दिनों तक हथियार लेके मेरे पीछे दौड़ेंगे वो? मेरी दादी कहती है मारना हमारी फितरत है, दरअसल वो कह नहीं पाई कि यही हमारी कमजोरी है। मैं तो उनका पोता हूं, खुद को नहीं बदलूंगा तो तुम्हारी जिंदगी में बदलाव कैसे आएगा? इसीलिए मैंने अपने परिवार को छोड़ दिया है, तो अब मेरे कुछ भी करने से क्या फर्क पड़ जाएगा? हाँ, ये लो, खा। छोटे मालिक, छोटे मालिक कब कर हमारा क्या? ओसाना। हाँ छोटे मालिक। आओ। सॉरी ब्रदर, हर इंसान में एक बॉम्ब होता है ओसाना, उसे फटने पर मजबूर मत करो। चलो ये खा के मजा नहीं आएगा, तुम लोग रास्ते में कुछ खा लेना। माँ कैसी है? दादी तो ठीक ही होंगी, समझदार है। और ओसाना मालिक, गाड़ी जरा आराम से चलाओ, ज्यादा तेज मत जाना, संभल कर जाओ। ठीक है मालिक।
अगर उसके ऐसा इंसान होना तो हमारे अंदर भी साहस होता। इंसान कितना भी ताकतवर हो, उससे कोई ना कोई गलती तो जरूर हो जाती है सुदर्शन भाई। राघव रेड्डी के साथ भी यही हुआ। माँ, स्कूल मैगजीन के लिए कोई अच्छी सी कहानी बताओ ना। मुझे कहाँ अच्छी कहानी आती है। प्लीज। तुम्हारे पापा रोज कोर्ट जाते हैं ना, उनके पास जरूर अच्छी कहानियाँ होंगी। जैसे ही मैंने पूछा क्लाइंट से कितना कमीशन लिया, वो घबरा गया। ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई चोर चोरी करते हुए पकड़ा गया हो। संडे को तुम्हारा क्लास कैसे है? जब डैडी ने पूछा तो प्राइवेट क्लास है डैडी। तुम्हारी बहन ने बोला डैडी ये क्लास कंपलसरी है। इन बातों के पीछे एक बहुत ही खास कहानी छुपी है, वो कहानी मैं नहीं बता सकता, तुम अरविंदा से ही पूछना। समझ गई ना? मुझे पार्टी में जाना है, मुझे कोई अच्छे से कपड़े दे दो ना। तब दीदी ने क्या कहा, अरे मुझे तो याद ही नहीं आ रहा है कि मैंने कपड़े कहाँ रखे हैं। ऐसी है मेरी और दीदी की स्टोरी, आगे दीदी से पूछो। खाली बैठे लोगों के पास तो बहुत सारी कहानियाँ होती हैं। घर में ऐसा कोई दिखाई नहीं दे रहा ना कि जो तुम्हें अच्छी कहानी सुनाए। राघव, मेरे छोटे भाई की स्कूल मैगजीन के लिए कहानी चाहिए, तुम बताओगे? मैं बताऊं? प्लीज। एक क्यूट फैमिली है, माँ है, बाप है, बड़ी और छोटी बहन। जो बड़ी बहन है ना, वो किसी से प्यार करती है। लेकिन वो लड़का छोटी बहन से प्यार करता है क्योंकि केमिस्ट्री सॉलिड है। अब बड़ी बहन जो है वो किसी और लड़के के चक्कर में फिजिकली इन्वॉल्व हो जाती है। राघव, केमिस्ट्री फिजिक्स बताने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी कहानी बताओ दिल से आनी चाहिए। दिल से? छोटू, एक कहानी लिखो। ओके। इस कहानी का नाम है टूटी तलवार। मुंडी का। कई साल पहले कोसला नाम का एक राज्य था, और उस राज्य का नागार्जुन नाम का राजा था। पड़ोस में एक और राज्य था, और उस राज्य का नाम पांचाल देश था, और उस राज्य का बसी रेड्डी। बसेश्वर नाम का एक राजा था, और इन दोनों राज्यों में 30 सालों से लगातार युद्ध चला ही जा रहा था। नागार्जुन का बेटा राघवेंद्र गुरुकुल से अपनी शिक्षा पूरी करके वापस लौट रहा था। उन दोनों राज्यों के बीच में एक नदी का नाम तपती नदी बहती थी। पांचाल देश के सैनिकों ने एक जाल बिछाया, और उस जाल में राघवेंद्र के पिता नागार्जुन की मौत हो गई। तब राघवेंद्र ने उस पर हमला करने वाले दुश्मन की तलवार तोड़ दी, और उस तलवार के साथ तपती नदी पार करके दूसरी ओर झाड़ियों में छिपे बसेश्वर के गर्दन के आर पार उसने वो तलवार कर दी। खून, मौत और आंसू, युद्ध का यही परिणाम होता है। लेकिन उस युद्ध को रोकने के लिए राघवेंद्र ने पार्टी के लोग, मतलब अपने राज्य के मंत्री से बात करके अपने राज्य और तलवार को वहीं पीछे छोड़ दिया। नो, युद्ध को रोकने के लिए उसे पड़ोसी देश के मंत्री से बात करनी चाहिए थी ना। जिनको हम पसंद करते हैं उन्हें हमको मनाने की जरूरत नहीं पड़ती ना। सो इस कहानी के हीरो को अपने लोगों से प्यार करना चाहिए, और दूसरे राजा के पास जाकर उसे कन्विंस करना चाहिए। अरे क्या है, शायद मिल गया क्या? अरे संभल के जाना, आगे पुलिस की नाकाबंदी है। मैं कभी इतनी आसानी से पकड़ा गया हूँ क्या? मुझे पता है उनको हैंडल कैसे करना है, मुझे मत सिखा तू। क्या है इसमें? कुछ नहीं है सर। निकाल के दिखाओ। देखिए मक्का है सर। जाओ। गुरुजी। Thank you.
मालिक, क्या हुआ? बाल रेड्डी! क्या हुआ? क्या हुआ पिताजी? पशु मामूला से सितप्पा कुवर चेरु गांव से सुपोर। किसलिए पिताजी? रालप्पा पुरम गांव से सिम्मय और जलकाया नंदावरम गांव से हुसैन बिहार और कर फैजल को यहाँ आना चाहिए। वो किसलिए पिताजी? नारप्पा रेड्डी के बेटे का सिर धड़ से अलग करने के लिए। अभी वो कहाँ है? ये मुझे चाहिए। इसको हमारी कहानी पता है। उस नारप्पा रेड्डी के बेटे ने उसे बताई होगी। बच्चे के लिए इतने लोग क्यों जाएंगे? वो बच्चे को अपने कब्जे में लेंगे तभी वो हमारे सामने आएगा। क्यों? इसके लिए हम काफी नहीं हैं। उस दिन 50 लोग इसके लिए काफी थे क्या? उसके गुस्से के आगे कोई नहीं टिक पाया। वो अकेला ही हमारे सारे आदमी पर भारी पड़ गया था। जब मैंने उसकी आंखों में देखा था तभी मुझे एहसास हो गया था कि बिना दस्तक के ही मेरी मौत मेरे करीब आ गई थी। बाल रेड्डी, हमें ऐसे लोगों को बुलाना है जिन्हें उसने कभी पहले देखा ना हो। मुझे लगा था एंथ्रोपोलॉजी आसान होगा, लेकिन ये तो बायोलॉजी का बाप है, साइकोलॉजी का पति है। चाहो तो उसे अपना पति बना लो, फिर कह देना स्पेस चाहिए। शाम को ये जोक बोलना, तब हंसूंगी। राघव, मेरी स्पेशलाइजेशन एथनोसेंट्रिक स्ट्रगल है। तुम्हें समझ नहीं आया ना, तो पूछो। ऐसे क्यूट लुक्स मत दो। फैक्शनिज्म शब्द सुना है? वो गांव के लोगों को बदला लेने के लिए मारते हैं। मुझे ऐसे किसी गांव में जाना है जहां ऐसा होता है। उन लोगों का इंटरव्यू लेना है और इस पर मुझे डॉक्यूमेंट्री बनानी है और मुझे ये सब कुछ 1 month में सबमिट करना है। I have a solution. पोमोडोरो। पोमोडोरो? तुम्हें समझ में नहीं आया ना? तो पूछो ना, ऐसा क्यूट लुक मत दो। पोमोडोरो इटालियन लैंग्वेज में टोमेटो। ये एक टाइम मैनेजमेंट टेक्निक है। तुम्हारे पास 25 मिनट है। जो करना है कर लो, टाइमर खत्म होने से पहले। इन 25 मिनटों में यहां वहां नहीं देखना है, कंप्लीट फोकस काम पे रखना है। इस डॉक्यूमेंट्री के लिए क्या पढ़ना है, कहां जाना होगा, इसका प्लान बनाओ। प्लान बनाने के बाद रिलैक्स मत करना, उसे लिख लो। पोमोडोरो वर्क्ड। ये तुमने कहां से सीखा? एंथ्रोपोलॉजी से तो नहीं। तुम्हारे फादर मेंटली बहुत स्ट्रांग होंगे ना, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है। यू नो व्हाट, वो बहुत शर्मीले थे। रियली? गुस्सा होते तो माँ के सिर पर तेल लगा देते। अगले दिन कोई पूछता, क्या रेड्डी तुम्हारे हाथ में लाल रंग कैसे लग गया, तो कहते कुछ नहीं, मसालेदार खाना खाया, हाथ ठीक से नहीं धोए। झूठ बोल देते थे। क्या रेड्डी, तुम्हारा गांव कौन सा है? यहाँ का तो नहीं हूं। तुम ना बहुत ही बड़े शिकारी हो। मेरा कॉलेज खत्म होने के बाद हम फिर से मिलेंगे यहां पर। गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी? सर कॉलेज वहाँ है, ये स्कूल है, जब आपके बच्चे होंगे तब यहाँ पे आना। उससे पहले मुझे प्यार को जीतना होगा, बच्चों को स्कूल भेजना है तो फूल चाहिए।
यहाँ स्कूल है ना? सिक्सी कहाँ है? फर्स्ट फ्लोर में। क्या देख रहा है? पागल है क्या? अब तो तू गया काम से। निशाना चूकता नहीं, मुझे उकसाओ मत। मेरी शरण में आ गए तो जिंदा छोड़ दूंगा, तुम्हारा शिकार करना पड़ा तो सर धड़ से अलग होगा। ओबा, यहां सर, 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 ऐसा मत कीजिए सर, वो मर जाएगा। सर वो सांस नहीं ले पा रहा है, सर वो मर जाएगा। गुस्से को दबाने के लिए मैं यहां तुमसे छिप कर बैठा हूं, पर तुम मुझे गुस्सा दिलाने गांव से शहर आ गए हो। खून बहाने वाले ये हथियार स्कूल तक लेकर आ गए। ओबा,
बसी रेड्डी के बेटे ने भेजा है। नहीं, खुद बसी रेड्डी ने। Five minutes. तुम आए क्यों नहीं? मुझे इसका वैलिड एक्सप्लेनेशन चाहिए। ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। मेरे किसी दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, ऐसे बहाने नहीं बनाने। सच बोलूंगा तो हजम नहीं कर पाओगे। You know what? एक लड़की किसी लड़के से प्यार में पड़ने से पहले बहुत ज्यादा सोचती है राघव। ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, ऐसा कहकर 10 लड़कों को बस रिजेक्ट ही करती रहती है। फिर किसी एक लड़के पर आकर ठहर जाती है। लेकिन तुम लड़के ऐसे नहीं होते हो। तुम किसी एक लड़की के मिलने पर उसे कहते हो, मैं मर जाऊंगा अगर तुमने मुझसे प्यार नहीं किया तो, मैं अपने हाथ की नस काट लूंगा, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। उस लड़की के हाँ करने तक 24/7 उसे टॉर्चर करते हो, और जब वो लड़की हाँ कर देती है तो तुम लड़के उसके कंधे पर सर रखकर दूसरी दुनिया देखना शुरू कर देते हो। कल ही तुमने मेरी आंखों में ओके देख लिया था, और आज तुमने मुझे साइड कर दिया। 20 मिस्ड कॉल और 40 मिनट लेट, बस इतना ही। सिर्फ लेट नहीं, वो 40 मिनट तुम मुझे भूल गए थे। किसी चीज ने तुम्हें मेरी तरफ आने से रोका होगा। मैं तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं हूं। आई डोंट लाइक इट। अरविंदा मेरी बात सुन। किसी को पसंद करने के लिए एक राइट इंसिडेंट काफी होता है, लाइक यस्टरडे, और किसी को भूल जाने के लिए भी, लाइक टुडे। अरे हटा यार। बाल रेड्डी, तूने उस वीर राघव रेड्डी के लिए क्या किया है? मैंने आदमी भेजे हैं पिताजी। तूने उनको कैसे भेजा बेटा? वो हमारी कार से गए। किस नंबर की कार में गए? 2222 से। क्या? 4x2। चार बार तो किसको भेजा है तूने? आपको किसी ने बताया नहीं? वीरा, बासा, बाली। ये सब क्या है? बहुत परेशान हो गया हूं इससे। वीरा रेड्डी के घर फोन कर। ठीक है पिताजी। हेलो। हाँ ये लीजिए बेटी। तेरा पति घर आया क्या? नहीं मालिक, छोटे मालिक के किसी काम से हैदराबाद गए हैं। कुछ हुआ है क्या? डर मत बेटी, उसे कुछ नहीं होगा बेटी। बाल रेड्डी, उस हुसैन बेरा के नंबर पर जल्दी से फोन कर। हाँ हाँ
फोन स्विच ऑफ बता रहा है। शांतार का समय सुस होता जब गले पर कड़ी धूप पड़ती है, शांतार का समय सुस होता जब सामने शेर दहाड़ता है, शांतार का समय सुस होता जब तूफान की आवाज कानों में पड़ती है, वार किया जब गले पर उसने तो मैंने महसूस किया, मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ और तू इतनी आसानी से कह रहा फोन नहीं लग रहा है। माँ का दूध नहीं पिया हा? मेरी तरह तेरा खून नहीं खोलता पता? वो फोन नहीं उठा रहा है मतलब उसने वहां उन्हें पकड़ लिया है। अब मैं खुद जाता हूं। पिताजी, उससे मार ना सका तो एक बार करके अपनी तलवार को उसके खून से नहलाऊंगा जरूर। नहीं पिताजी, पिताजी रुक जाइए, नहीं छोड़, रुक जाइए प्लीज। आज वो रहेगा या मैं, छोड़ मुझे। नहीं पिताजी, आप नहीं जाएंगे, मैं जाता हूँ। नहीं आप नहीं जाएंगे, मैं जाता हूँ, मैं जाऊँगा, मैं ही जाऊँगा। आ जाके क्या करेगा? मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। ढूंढने के बाद जहाँ मिलेगा वही मार दूंगा। जा खत्म कर उसे। नहीं सर, बसी रेड्डी को आपके ठिकाने का पता चल गया है, अब आपके लिए यहां खतरा है, यहां से चले जाइए। मेरे जाने से उसका गुस्सा रुकेगा नहीं, आज स्कूल तक पहुंचा है, कल घर पहुंच जाएगा। आप यहां के लोगों की फिक्र कर रहे हैं और मुझे उन लोगों की फिक्र हो रही है। फिक्र करने की कोई बात नहीं, ज्यादा से ज्यादा भागने की कोशिश करेंगे, मार दूंगा, लेकिन यहां पर छोटे बच्चे बच्चियां हैं, अगर उन्हें कुछ हो गया तो चाहे जितने लोगों को मार दूं उस गम से उभर नहीं पाऊंगा, सह नहीं पाऊंगा। यहां रहता था क्योंकि यह जगह मुझे पसंद थी, लेकिन अब मेरी जरूरत है। अरे राघव, कांग्रेचुलेशंस, अब तुम जा सकते हो। सुपारी गैंग को अरेस्ट कर लिया गया है, जजमेंट भी आ गया है। बिल्कुल ठीक, उस लॉयर ने अच्छे से केस लड़ा, हमने सिर्फ 3 साल सोचा था मगर उन्हें 5 साल की सजा हुई। तो कब जाने वाले हो तुम? मैं आपको यहां बचाने के लिए नहीं आया, जब भी मेरा मन करेगा मैं इस घर से चला जाऊंगा, आपके कहने से नहीं अपनी मर्जी से, समझ गए? अच्छा है, बढ़िया है, बेशर्मी से रहना इसी को तो कहते हैं। इसे कहते हैं चोरी और फिर सीना चोरी। बालू, सर दर्द होने लगा, कॉफी पिलाओगे क्या? राघव कहाँ है? खाने पे बुलाइए ना उसे। पर क्यों? कल इसका बर्थडे है ना। इसके बर्थडे की वजह मैं हूँ और खाने पर उसे बुला रही हूँ, हद हो गई। मटन बिरयानी बनाऊं क्या? उसे बहुत पसंद है। Hey, that's a good choice. मटन बिरयानी जम के खाएगा और फिर हमारे ही सिर पे तांडव करेगा। आप जब बात करते हैं तो ये मशीन क्यों निकाल लेते हैं? हम दोनों को छोड़कर यहाँ राघव को सभी पसंद करते हैं, सही कह रहा हूँ ना? राघव की हमें कोई जरूरत नहीं है। सच कह रहे हो ना? जरूरत नहीं है मतलब नहीं? हाँ, है बिल्कुल नहीं, मैं कॉलेज अकेले जाऊंगी। तुम अकेले जा सकती हो, जाओ ना, देखूंगा हमें कौन रोकता है। वो बहुत ही गुस्सैल है डैडी। नॉर्मल गुस्सा नहीं है बेटी, एबनॉर्मल है वो। तुम्हारी बहन कहाँ है? उसे छोड़ने गई है। उसे? अच्छा है, वो रोज तुम्हें कॉलेज छोड़ने जाता है और आज वो उसे गैरेज छोड़ने गई है, और ये दाढ़ी वाला उन्हें सपोर्ट कर रहा है, हा? उसका डैड यहाँ बैठा है, परमिशन उसने ली नहीं, ना कोई रेस्पेक्ट है ना फिर इज्जत है। आप कितने देर से सुन रहे हैं? नारप्पा रेड्डी का बेटा मुझसे मिलना चाहता है, बुलाओ उसे। ओके सर। सर आप अंदर जा सकते हैं। हे लुक एट दैट प्रतीक, वाओ,
No, nice, no, this one, this look one. At that. The no, other one. I think the yeah. other one is much better, no? Because when I wear that with the other... Huh? Pratik? Pratik? बताइए ना आपकी क्या मदद कर सकता हूं। बाल रेडी से मीटिंग करनी है, इस प्रॉब्लम का सलूशन चाहिए। मैं अपने राज्य में शांति चाहता हूं। एक्सक्यूज मी, हैव यू सीन अ स्मॉल बॉय? ही इज इन अ स्कूल यूनिफॉर्म। नो मैम। शांति? आमतौर पर गांव के लोग इसे सौसर से पी लेते हैं। अपने अपने शौक की बात है, हम लोग कब से पीते हैं, फिर भी सौसर साथ दिया जाता है। तुम्हारे राज्य में शांति का यही हाल है। ये सही लोगों को नहीं मिलती और जिन्हें मिलती है वो इसका इस्तेमाल नहीं करते। कॉल राघव। पिछले 3 सालों से मैं तुम्हारे राज्य का पॉलिटिकल इंचार्ज हूँ। मैंने कितनी बार ट्राई किया कि थोड़ी शांति एस्टेब्लिश हो जाए। तुम्हारे लोग यहाँ मुझसे शेकहैंड करते हैं और वहां जाकर बम फोड़ते हैं। राघव रेड्डी साहब, वायलेंस ये तुम्हारे डीएनए में है, जिसे तुम बदल नहीं सकते। बात कर लो ना। सॉरी सर। हेलो। हेलो, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मैं एक मीटिंग में था। क्या बात है? मैं प्रतीक को स्कूल यूनिफॉर्म दिलाने मॉल आई थी, लेकिन अब वो गायब है। दीदी, दीदी, दीदी! ए, उसे भी पकड़ कर लाओ। चुप कर, गाड़ी चलाओ। चुप रहो वरना मैं तुम्हारा खून कर दूंगा। ए, गाड़ी चलाओ। अरविंदा, हमें शहर से जल्दी निकलना होगा, जल्दी करो। मैं जानता हूँ वहाँ क्या चल रहा है। तुम मुझसे बात मत करो, जो कहता हूँ वो सुनो। जिस आदमी ने तुम्हें पकड़ा है उसका एक हाथ नहीं है, है ना? बसी रेड्डी, हाँ जाओ ना, सबको मार डालो। यही तो खून में है तुम्हारे, और हम लोग बचे हुए लोगों के साथ पॉलिटिक्स करेंगे, वो हमारी जरूरत है। एक चाय का ऑर्डर दीजिए। अरविंदा, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं शहर की दूसरी तरफ हूं, तुमसे काफी दूर। तुमसे वादा नहीं कर सकता कि तुम्हें बचाऊंगा, क्योंकि ये झूठ होगा। लेकिन मैं ये भी अच्छी तरह जानता हूं कि तुम खतरे में हो। वो लोग तुम्हें डरा सकते हैं, मार सकते हैं, खून भी कर सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो मैं अपनी जिंदगी, अपनी पूरी जिंदगी रोते हुए गुजारूंगा अरविंदा। लेकिन उससे पहले मुझे एक कोशिश करनी है। स्पीकर ऑन करो। ए, ये फोन पर किसी से बात कर रही है। मैं ये तो नहीं जानता कि तुम लोग कौन हो, बस इतना जानता हूं तुम्हें जहन्नुम से भी ढूंढ निकालूंगा। ऐसा करना मेरे लिए कोई बड़ा काम नहीं है। जिस लड़की को तुम लोगों ने उठाया है, मैं उस लड़की से प्यार करता हूं। आज तुम उसके साथ जो चाहो कर सकते हो, लेकिन कल का दिन मेरा होगा। उसके सर का बाल भी बांका हुआ तो उसके बाद जो होगा उसका जिम्मेदार मैं नहीं। अगर तुमने सोचा कि तुम मुझसे बच निकलोगे तो ये भूल होगी। चाहे पाताल में जाकर छुप जाओ या दुनिया के किसी आखिरी कोने में, महानंदी वीरा राघव रेड्डी की तलवार तुम्हें ढूंढ निकालेगी। ये मेरा वादा है तुमसे। तुम में से हर एक मेरा पैर पकड़ेगा, मुझसे भीख मांगेगा कि मैं तुम्हें मार दूं, लेकिन मैं तुम्हें आखिरी सांस तक तड़पाऊंगा। अभी जो डर तुम्हारे सीने में है वो 100 गुना बढ़ेगा। तुम्हारी मौत तुम्हारा शिकार कर रही है। ऐसी हालत करूंगा कि खुद मौत को गले लगा लोगे। मौत की अगर कोई आवाज होती है तो वो ऐसी होती है क्या?
बेटी, मुझे आवाज से पहचानते हो ना? तुम्हारे पास जो बच्चा है उसे मारना चाहते हो तो मार दो, पर तुम्हारे गांव पहुंचने से पहले मैं तुम्हें ढूंढ कर खत्म करूंगा। यहां से बैंगलोर नजदीक है तो मैं पहले वहां जाऊंगा और तुम्हारे बेटे को खत्म कर दूंगा। अपनी मौत से पहले बेटे की मौत की खबर सुनोगे, लेकिन उसकी मौत का मातम बनाने का मौका नहीं दूंगा। तुम्हारे गांव में घुसकर तुम्हारी मौत का परचम लहराऊंगा। छोड़ दो, मौत का खेल रोकना चाहते हो तो आज उस बच्चे को छोड़ दो। मैं तुम्हें बताऊंगा शांति में जो मजा है वो बदला लेने में नहीं। फैसला तुम्हारे हाथ में। अरविंदा वहीं इंतजार करो, मैं अभी आ रहा हूं। किसी को कोई बात मनवाना चाहूं तो दोस्त ही नहीं दुश्मन भी मान जाते हैं। वायलेंस हमारे डीएनए में नहीं है, मजबूरी में उसका सहारा लेना पड़ता है। सर, अगर 100 फीट नीचे पानी है तो 99 फीट तक खोदकर छोड़ देने में क्या फायदा है? इसका जवाब मैं आप पर छोड़ता हूं। मेरा एक कदम 100 के बराबर है, हो सके तो समझ जाइए। बेटी, अब तुम ठीक तो हो ना? यहाँ देखो, मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ माँ। देखो, देखो कहाँ ना, मैं ठीक हूँ माँ। अरविंदा, बेटी, तुम ठीक लग तो नहीं रही हो? क्या हो गया इसे? क्या कर रही हो? इस मासूम को क्यों मार रही हो तुम? आपको नहीं मार सकती ना इसीलिए। मैं मानता हूँ मुझे अपने ऑफिस को घर में ना रख कर कहीं दूर बनाना चाहिए था, यही मेरी गलती है ना? मैंने तुम्हें यहां अपनी हिफाजत के लिए रहने दिया, अब तुम्हीं से डरकर हमें यहां से जाना होगा। जा बेटा, अंदर जा। राघव, कभी मैंने ही तुम्हें रोका था, आज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, यहां से चले जाओ। कहां जा रहे हो? मैं जा रहा हूं सर, लेकिन मैंने अपनी एक बहुत ही कीमती चीज आपके घर में रखी है, पहले जाकर उसे ढूंढता हूं, उसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था मुझे लगा मेरे प्रॉब्लम्स का सलूशन तुमसे ही मिलेगा। शायद इसी के चलते मैं ये सोच बैठा कि तुम ही मेरा सलूशन हो, लेकिन नहीं, हम दोनों गलत थे। जब एक लड़का और लड़की गले मिलते हैं तो एक दूसरे के कंधे पर सिर रखकर एक नई दुनिया देखने लगते हैं, पर वो भी गलत है, क्योंकि हर एक लड़के को यही दुनिया जीतनी बहुत जरूरी है, मेरी तरह। पर अचानक उसे तुम जैसी लड़की मिलती है, और अगर उसे लड़की को खोने का डर हो या उसे पाने की फिक्र हो तो इसका मतलब वही उसकी प्रायोरिटी है। शायद तुम सोचती हो इसने मुझे जीत लिया तो दुनिया जीतने की क्या जरूरत है,
ऐसी गलती मत करना। मैं अपनी लड़ाई जीतने के बाद ही तुम्हारे पास आऊंगा और उसी दिन तुम मुझे गले लगाओ उससे बस एक सेकंड पहले अपनी आंखें बंद करूंगा और तुम्हारे साथ एक नई दुनिया देखूंगा। लड़कों को लगता है कि लड़कियों को ऐसे लड़के चाहिए जो बहुत सारे पैसे कमाए, उन्हें ज्वेलरी गिफ्ट में दे, एक कंफर्टेबल जिंदगी दे सके। हमें इन चीजों की जरूरत नहीं, बस साथ चाहिए। मेरे पिताजी ने मां के साथ उतना वक्त नहीं गुजारा। 25 साल वो दरवाजे पर बस बैठी रही, अपनी गोद में मेरा सर रखकर। कई रातों को जागकर वो मुझे लोरी सुनाती थी। तब सोचता था कि वो बस एक लोरी है। वो उसके दिल का दर्द था जो दरअसल मेरे पिताजी ने उसे दिया था। कितनी बड़ी गलती कर दी नारा परेटी, अपनी बीवी को कितनी ठेस पहुंचाई। बस एक बार मेरी मां का दर्द भरा गाना सुन लेते तो उसी पल वापस लौट आते। हेलो, मैं कृष्णा रेड्डी बोल रहा हूं। हाँ, मैं बाल रेड्डी को मनाऊंगा। तुम्हारे सुदर्शन रेड्डी यहां उस डिस्कशन में आने वाले हैं और समझो द मीटिंग इज ऑन। राघव रेड्डी जी, वो एक फीट मैंने खोद दिया है जो तुमने कहा था। अब देखते हैं उसे एक फीट में दो जीरो कैसे लगते हैं या एक जीरो रह जाएगा। बेस्ट ऑफ लक। उसने क्यों कहा कि उसे दुनिया जीतनी है? अरविंदा को जीतने के बाद उसे दुनिया जीतने की क्या जरूरत है? ओए, उसने अपनी प्रॉब्लम नहीं बताई, इसका मतलब ये है कि हम लोग उसे ऐसे ही छोड़ देंगे? हाँ, मैं एक बहुत ही मामूली इंसान हूँ और तुम दोनों मुझसे पूछ रही हो। उसका नाम राघव रेड्डी है, तुम्हारी तरह मैंने भी उससे यही सवाल पूछा था। अगर कोई आप पर एक उंगली भी उठाता है तो आप उसका पूरा हाथ उखाड़ के रख देते हो, फिर उस लड़की के इतने नखरे क्यों उठाते हो? क्यों कर रहा? जब उसे कॉलेज छोड़ने जाता हूं तो गाड़ी हमेशा लेफ्ट में मोड़ता हूं, पर एक दिन उसने कहा कि राइट टर्न लो। मैंने राइट टर्न लिया, गांव के लोगों से मिला और मुझे डर था कि अगर नहीं मिलता तो शहर में झगड़ा शुरू हो जाता। और उसके बाद उसके भाई को सुनाई कहानी से पता चला कि बसी रेड्डी जिंदा है। मैंने सोचा शांति कायम करनी है तो अपने लोगों को कन्विंस करूं, लेकिन उसने कहा दोस्तों को नहीं दुश्मनों को जाकर कन्विंस करो। तो ऑपोजिशन पार्टी के लीडर से मिलकर उससे बात की और इसीलिए बसी रेड्डी के गुंडों को अरविंदा के पिता के क्लाइंट के घर में छुपा दिया मैंने। और कोई वजह जाननी है तुम्हें? उसकी वजह से सिर्फ अच्छे काम हुए और अगर कुछ गलत हुआ है तो मेरी वजह से नीलांबरी, मेरी वजह से वो किडनैप हो गई। कोई लड़का अपनी प्रेमिका को मुसीबत से बचाए तो बहुत गर्व महसूस करता है, लेकिन एक बार मुसीबत टल जाए तो उसे बचाने पर शर्म महसूस होती है। मेरे यहां रहने से तुम्हारी जान को भी खतरा है। ये सब बर्द लोग ऐसे हमें छोड़ क्यों देते हैं और दूसरों के साथ सब कुछ डिस्कस करते हैं? क्या हमें कुछ समझ नहीं आता, क्या पता नहीं है? इस फैक्शन सब्जेक्ट का कौन अथॉरिटी है? हाँ, तुम या मैं? कोई डाउट नहीं है, तुम ही हो, है ना? अच्छा बताओ, राघव का गांव कौन सा? डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए सिर्फ टेक्निकल बैग लाना काफी नहीं है, उसके लिए कैमरा चाहिए, बात करने के लिए माइक चाहिए, सोने के लिए टेंट चाहिए और खाने के लिए बिस्किट चाहिए। इसे देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पिन नंबर क्या है? तुम्हें पता होगा, तुम्हारा ही है।
सीधे जाओ। ओके थैंक यू। लगता है इस दुनिया में इसकी कोई जरूरत नहीं है। मतलब हमारी डॉक्यूमेंट्री की शुरुआत इसी से करते हैं। ओके। हमारे बसी रेड्डी ने तुम्हारे एक आदमी का सिर काट दिया और तुमने क्या किया? तुमने हमारे दो लोगों की जान ली है। देखिए पिताजी देखिए इसकी आंखों में, देखिए ये झूठ बोल रहा है। खून होने के बाद इसकी आंखों में दर्द नजर आ रहा है। क्या हो रहा है ये? तू हमें उंगली दिखा रहा है? अपने बेटे को समझा लो। आप बैठ जाइए, मैं इसे देख लूंगा। घिर जाएगा लक्ष्मण रेड्डी और वो साधारण बादल नहीं होंगे, काले बादल होंगे। अधरम चल, चलो चलो चलो। देखें तुम जैसे। उस गुस्से में बसी रेड्डी ने बीच बाजार सबके सामने तिमा रेड्डी को मार डाला। उनके खिलाफ केस फाइल नहीं किया? कैसा केस? यहाँ ये सब होता है बेटी। शायद यहाँ का नियम कानून तुम्हें पता नहीं है। नरप्पा रेड्डी ने बसी रेड्डी के पिता को मार डाला, उसके बाद फिर क्या, दोनों का हिसाब बराबर, जान के बदले जान ले लिया। अरे बस करो रोना, इसे स्मशान ले जाना है मुझे। आए वो हमारा सुब्बदू, बुलाओ उसे। मेरे पिता की चिता ठंडी होने से पहले मोमबत्ती में कोहराम मचना चाहिए। सब कुछ शांतिपूर्वक चल रहा था, लेकिन उस दौरान नरप्पा रेड्डी को मार दिया गया, वो भी इलेक्शन से कुछ दिन पहले ही, रास्ते में गोली मार के। हमारा राघव रेड्डी बिल्कुल डरा हुआ नहीं था बेटी। वो तिम्मा रेड्डी है ना, उसका खून है। उससे जितना हो सके उतने लोगों को मार गिराया उस अकेले ने। जब वो अपने बाप और काका की लाश कार में लेकर आया तो हम सब लोगों की आंखों में आंसू थे। उसके बाद हमें नहीं पता क्या हुआ। 6 महीने से उसकी कोई जानकारी नहीं है। Excuse me, रुक जाइए, please. जब उसने कहा कि राघव रेड्डी चला गया तो तुम वहां से क्यों भाग आई? क्योंकि मेरी बातों की वजह से छोटे मालिक यहां से चले गए। हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते क्या? यहां कौन किसकी सुनता है? एक बार इसके लिए यहां मीटिंग भी बुलाई थी, लेकिन अनंतपुरम लॉज में नरप्पा रेड्डी के भतीजे को मार दिया। राघव रेड्डी छोटे मालिक जैसा था। 7 साल पहले वो हमारे राज्य की अच्छाई के लिए लड़ रहा था, उन्होंने लॉरी से कुचल कर मार डाला। चलो यहाँ से चलते। क्या हुआ? वो सब बाद में बताऊंगा, पहले यहाँ से चलते। मैं इनसे कुछ बात कर रही हूँ। अब कोई बात नहीं करनी। राघव रेड्डी की मीटिंग फिक्स है बसी रेड्डी के बेटे के साथ। कब? आज ही है। सुदर्शन रेड्डी नमस्ते। चल क्या राघव रेड्डी, इस मीटिंग का क्या मतलब है? जब तुम्हारे पिताजी का ही समय है तो इलेक्शन तुम्हारे हित में है, क्या कंप्रोमाइज इतना जरूरी है? देखो जो इश्यू है वो जीत हार का नहीं है सुदर्शन रेड्डी, जिंदगी का है। आखिर इस जनरेशन में वो इस लड़ाई को रोक क्यों नहीं पाए? आखिर में इसने जो मुद्दा उठाया उसमें हमें इसे इंक्रीज करना होगा, वरना ये पूरी मीटिंग वेस्ट है। इस मीटिंग के बारे में बसी रेड्डी को पता है क्या? पता नहीं, बस ये दोनों आए हैं एग्रीमेंट करना है। मैं इसके साथ एग्रीमेंट क्यों बनाऊं कृष्णा रेड्डी? इसने मेरे पिताजी पर हमला किया था, कहा कि मेरे बेटे को मार देगा। बाल रेड्डी
मैं अभी इसको बहुत बुरी मौत मारूंगा, जेल जाऊंगा, और जब मेरे पिताजी मिनिस्टर बनेंगे तो मैं बेल लेकर बाहर आ जाऊंगा। सराबा जी मालिक, तलवार दे मुझे। तुझे मारकर जेल चला जाऊंगा, मेरी आंटी मिनिस्टर बनेगी तो मैं बेल लेकर बाहर आ जाऊंगा। यह ऑप्शन सिर्फ तेरे पास नहीं है, मेरे पास भी है। मैं तुझे कहानी सुनाता हूं। एक किसान के पास जमीन थी, पर इतने पैसे नहीं कि किसी को काम पर रख सके, इसीलिए उसकी बीवी को काम पर जाना पड़ा। उसकी 6 साल की बेटी थी जो छोटे बच्चे को संभालती। बच्चा रोने लगा तो लड़की उसे कड़ी धूप में लेकर गई। शायद उसने सोचा इससे बच्चा ठीक हो जाएगा, लेकिन बच्चे को बुखार हो गया। उसी दौरान इलेक्शन की वजह से गांव में दंगा फसाद हुआ। ऐसे में तुम बस कहां ढूंढोगे बाल रेड्डी? सरकारी हॉस्पिटल 10 किलोमीटर दूर है। बच्चा पहुंचा तब तक देर हो गई थी, डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाए। उसके मां बाप उसके गम में बहुत रोए। अब इसी कहानी का दूसरा वर्जन सुन। एक किसान के पास थोड़ी जमीन है, जमीन पर बिजली पानी की अच्छी सुविधा है। खुद अपनी जमीन पर काम ना करके वो दूसरे किसानों से काम करवाता है। मां भी घर पर अपने बच्चों का ख्याल रखती है, उनकी बेटी स्कूल जाती है। लेकिन एक दिन वो बीमार पड़ गई, उसे तेज बुखार आ जाता है। इलेक्शन चल रहे हैं लेकिन कोई दंगा फसाद नहीं है, गांव में बसों की अच्छी सुविधा भी है। वो लड़की को तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं, डॉक्टर बच्ची को सलाइन लगाता है, बच्ची ठीक हो जाती है। और फिर अगली सुबह बच्ची फिर स्कूल जाती है और मां मुस्कुराती है। पहली कहानी तेरे पिताजी ने लिखी है और दूसरी कहानी मैं लिखने वाला हूं। हमें क्या करना चाहिए बाल रेड्डी, अब तू ही बता। हाँ हाँ, जो पिताजी ने किया गलत था। 5 रुपए के लिए उन्होंने एक आदमी का सर काट दिया, तो तुम्हारे पिताजी ने क्या किया? उन 2 लोगों को मार दिया जो बेगुनाह थे। इस पर क्या कहोगे? हमने शुरू किया पर तुम रुके। हमने खून भी किया और उसे कबूल भी किया है। तुमने भी तलवार उठाई, उसे भूल गए क्या? क्यों राघव रेड्डी, क्या हुआ बोलो ना। हाँ I'm sorry। अपने पिता की तरफ से माफी मांगता हूं, तुम्हारे पिता से भी माफी मांगता हूं जो यहां नहीं है। जब फसाद हुआ तब अगर हमारे पिता ने साथ मिलकर बात की होती तो आज गांव की हालत कुछ और ही होती। कम से कम वो मौका अपने बच्चों को देते हैं। इस शांति की कीमत क्या है? 5 साल?
एक एमएलए और एक मिनिस्टर, ठीक है मान लिया, मैं नहीं लड़ूंगा, तुम ही जीतोगे। तुमने ये डिस्कशन पहले क्यों नहीं किया राघव रेड्डी? पिछली बार तुम अपने लोगों के साथ एक गाड़ी में आए थे, तब मैंने डिस्कशन किया। इस बार चार गाड़ियों में आया, इसीलिए मैंने लड़ाई की, जिसमें लड़ने का जिगरा ना हो शांति की बात नहीं करता। मेरा फोन नंबर उस कार्ड पर है, मैसेज कर देना। अगर तुम्हारी हां है तो एमएलए बनने के बाद मैं तुम्हारे पिताजी से मिलने आऊंगा, अगर ना है तो तुम इस दुनिया के किसी भी कोने में जाकर छिप जाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हिमालय के पीछे सिर छुपा लो या कन्याकुमारी से समंदर में डुबकी लगाओ, राजस्थान के रेगिस्तान में छुपो या बंगाल की खाड़ी में छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा और सर धड़ से अलग करूंगा। चलता हूं। कृष्णा रेड्डी, मेरे इस पूरे पॉलिटिकल करियर में वो इंसान जो उस एरिया का फिक्सनिस्ट है, उसको कभी सॉरी बोलते नहीं देखा। फर्स्ट टाइम, यही है यार, फर्स्ट टाइम। हर 30 साल में एक बार जीने का लक्ष्य बदलता जरूर है। फिल्म वाले इसे ट्रेंड कहते हैं और बिजनेस वाले फैशन कहते हैं, राजनेता उसे वंश कहते हैं और आम लोग जनरेशन कहते हैं। लेकिन हर जनरेशन में एक बंदा आता है अपनी नई सोच के साथ और वो अकेला आता है, हम उसे टॉर्च बेरर कहते हैं। उस जाते हुए इंसान को देख रहे हो ना तुम, वही है टॉर्च बेरर। तुम्हारे एरिया के लोग शांति रखेंगे या तलवार उठाएंगे, ये डिसाइड करेगा। गलती से भी कभी इसे एरा गैरा मत समझना बाल रेड्डी, गाय मत समझना कि दूध पी लोगे, ये शेर है, तुम्हारा खून पी जाएगा, फैसला तुम्हें करना है। हेलो राघव। हाँ बोलो, तुम ठीक तो हो? मैं तो ठीक हूँ, क्यों? तुम लोग वहाँ क्यों गए? ये मेरी ससुराल है, मैं ससुराल नहीं आ सकती। अरविंदा, मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ, ये मजाक की बात नहीं है। तुम दोनों इसी वक्त मेरे घर जाओ, मैं सुबह वहाँ पहुँच जाऊंगा, वहाँ मेरे लोग होंगे, उनसे कहना कि वो मुझे फोन करें, समझ रही हो ना? ये गांव कितना सुंदर है, यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं, यहाँ के झगड़ों में ये बेचारे लोग मारे जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो नीलांबरी, वेरी सैड। इंजन स्टार्ट करो, कम ऑन। ब्रेक क्यों लगाया? आ जाओ बेटा। बहुत बहुत शुक्रिया आंटी। अच्छा सुनो, अच्छा सुनो, आप लोग मीट खाते हो? हम लोग खाते हैं, आप हमें खाने के लिए कुछ भी दे सकती हैं। इनकी गाड़ी रिपेयरिंग में गई है, बाहर रुकना ठीक नहीं था इसलिए ले आई। नमस्ते। कौन है ये? अरे नाम भी नहीं बताया, अजीब औरत है। अरे मासूम लड़की, इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें उनका नाम नहीं पता। गांव की औरतें कभी भी अपने पति का नाम लेकर नहीं पुकारती है, जानती हो? वो मेरा पति होगा ना? हाँ? तो मैं तो बुलाऊंगी। फिर तो बहुत अच्छी जमेगी तुम्हारी। ए, क्या रे, तुम्हारी बहस अभी तक खत्म नहीं हुई क्या? अबे ज्यादा मत हंसने तो बोतल गिर जाएगी। ये ले, गर्मा गर्म तेरे लिए खाने को, खा। ये पागलों की तरह हंस क्यों रहा है? ए, तो इतना डरा हुआ क्यों लग रहा है? चुप हो जा बे। डर गया। <आ,
वो देख राघव रेड्डी से डर लगता है। ऐसा मत कहो, मैं डरपोक नहीं हूँ। उस दिन तू डर गया था ना, डर गया था ना, बोला भगवान के लिए चुप हो जा, चुप हो जा मेरे बाप, चुप हो जा। नहीं रहा, चुप नहीं हो रहा तू, क्या कर रहा तू? क्या हुआ बेटे, सुबह होने से पहले ही वापस आ गया? तुझे पैसे चाहिए क्या? मैंने पिया है मालिक, मैं आपसे आंख नहीं मिला सकता। क्या हो गया? मैं वही बंदा था ना जिसने आपके साथ मिलकर कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। तो तुझ पर कौन शक कर रहा है? वो सुब्बू और बाकी के लोग। क्यों? जब से शहर से वापस आया हूँ तब से सब लोग मुझे डरपोक बोल रहे हैं और कहते हैं मर क्यों नहीं जाता। क्यों? उसकी आवाज सुन के। किसकी आवाज? राघव रेड्डी की आवाज सुन के मेरी पेंट किली हो गई थी, ऐसा कहते हैं। इसका मतलब क्या, वो हीरो है? उसकी आवाज सुन के मैं डर गया, लेकिन उनके अलावा उन लोगों ने क्या किया पता है मालिक? कार में चुपचाप बैठे हुए थे। इसका मतलब वो लोग भी डरपोक है ना, और आपका बेटा तो सबसे बड़ा डरपोक है। पता है उसने क्या किया? यही, इसने आपसे झूठ बोला कि राघव रेड्डी नहीं मिला, इसने उसके लवर और उसके भाई को छोड़ दिया। तो आपका बेटा डरपोक नहीं है क्या? पीने के बाद क्या बकवास कर रहे हो? आज आपके बेटे ने उसके साथ मीटिंग किया, वो भी आपको बिना बताए। क्या ये डरपोक नहीं है क्या? क्या मैंने मुझ पर मिस नहीं कहता? मुझे गुस्सा नहीं आता? शाम को मैंने कांच की बोतल ली और सुबुक के सर पे फोड़ दिया। आप इस बात पे विश्वास करते हो ना मालिक? अगर उसने मेरी शिकायत की तो मुझे मारना मत। इसके लिए मैं आपसे माफी की भीख मांगता हूं। मुझे माफ कर दो मालिक, मुझे माफ कर दो। आपकी इज्जत कम करने के लिए सब नहीं किया, अब मेरे खिलाफ इलेक्शन में कोई खड़ा नहीं होगा। पार्टी के लोगों ने कहा मैं एमएलए बनने के बाद मिनिस्टर बन जाऊंगा। और सिर्फ यही बात नहीं है पिताजी, राघव रेड्डी ने मुझसे कहा अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो आपको मार डालेगा। इस बात से मैं डर गया। तो डर गया? मर जाने देता मुझे? कैसा लग रहा है मरते वक्त? हे बाल रेड्डी, थोड़ी देर बाद दर्द नहीं होगा, लेकिन मुझे हो रहा है बेटा, तुझे मारते हुए मुझे दर्द हो रहा है। जिंदगी भर भूल नहीं पाऊंगा ये दर्द। डर कर जीने से मरना बेहतर है, बहुत बुरा होता है डर के साए में जीना। गलत समझौता कर लिया बाल रेड्डी। तू मिनिस्टर बन जाता और मैं भगवान बन जाता, अभिषेक सही सलामत जरूर होगा, लेकिन कानून उसके हाथ में होगा। बाल रेड्डी, ये बदलाव अच्छा नहीं है। सब कुछ पहले की तरह होना चाहिए, चाहे मेरी बीवी मर जाए, बेटा मर जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, लेकिन मेरा बदला खत्म नहीं होना चाहिए, नहीं नहीं होना चाहिए। क्यों बे, तूने कहा तो उसकी आवाज से डर गया था, अब मुझे देखकर तुझे हिम्मत मिली कि नहीं? तुमने मेरे बेटे को मार डाला, कितने निर्दयी हो तुम। ये इस माँ का श्राप है, तुम्हारी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी, कभी नहीं। जिंदगी भर तड़पोगे तुम। तुमने मेरे बेटे को मार डाला, मेरी कुह
को झाड़ दी तुमने। अरे हटो तुम। और कितने लोगों को मारोगे तुम? मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरे बच्चे को मार डाला। हेलो हेलो अरविंदा। राघव रेड्डी, घूमती जा रहा है ना? मेरे बेटे को तू एमएलए बनाएगा, वहां पर तेरा क्या है बे? मैं ये अफवाह फैला दूंगा कि तूने मेरे बेटे को मारा, तेरे गांव वाले तेरे गांव में कोहराम मचा देंगे, गोमती आग के लपटों में गिर जाएगा। तो सच जानना चाहता है? मैंने ही अपने बेटे को मारा। तूने कहा था इन मुसीबतों को रोक सकता है तू, शांति कायम कर सकता है। शांति खत्म हो गई रे, चल फुट। मैं बदलाव लाऊंगा बसी रेड्डी। ये ताज्जुब की बात है कि आज मैं उस जगह हूं जहां तू 30 साल पहले था। बदलाव की शुरुआत यहीं से होगी। तो ठीक है, तू वहीं रह, मैं भी देखता हूं कैसा बदलाव करता है। बदलाव लाएगा? क्या बदलेगा तू? कैसे बदलेगा बे? जब मेरे पिता की मौत हुई, मैं नहीं जानता था कि मैं तलवार उठाऊंगा, पर मैंने उठा ली। नहीं जानता था मुझ में इतना गुस्सा है कि तलवार तुम्हारे पार करूंगा, पर कर दी ना। दादी ने कहा तलवार फेंको, तब पता नहीं था उसे छोड़ूंगा या नहीं, पर छोड़ दी ना। तुम्हारे पीछे जो लड़की है, पता नहीं था बिना लड़ाई के ये जंग रोकी जा सकती है, पर उसके कहने पर रोक दी ना। पूछ रहे हो बदलाव कैसे लाऊंगा? मुझे भी नहीं पता कैसे लाऊंगा बसी रेड्डी, पर बदलाव आएगा, मैं लाऊंगा। कोमती गवर्नमेंट हॉस्पिटल यहाँ से 2 मील दूर है और 2 लोग घायल हैं। हम सबको खत्म करो और इन्हें ले जाओ। ये सुबदू है जिसका तूने हाथ काटा था, जो तेरी आवाज से डर रहा था वो मारप्पा। तेरे सामने खड़ा है ये बस्सी रेड्डी। टोटल 3 जाने लेनी है तुझे, आ मार हमें। लेकिन इस खून के बाद यहाँ से जो जाएगा वो कोई सामान्य राघव रेड्डी नहीं होगा। बस्सी रेड्डी के बेटे को मारने के बाद बस्सी रेड्डी को मारकर जो उसके खिलाफ खड़ा था वो वीर राघव रेड्डी, जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं था, ऐसा एक फैक्शनिस्ट। ये कैसे बदलेगा रेड्डी? मेरी मौत के बाद मेरी 13वीं में जब मेरा श्राद्ध होगा, इस सुबदू का 10 साल का बेटा बदले की भावना लेकर खाना खाएगा जब तक वो बूढ़ा ना हो जाए, ताकि वो 5 साल बाद बम बना सके। और जब तू सड़क पर अपनी कार से जा रहा होगा, तब ये कार को बम से उड़ाएगा। कैसे बदलाव लाएगा? इस पेड़ को मैंने कभी पानी नहीं दिया, लेकिन 30 साल पहले इसे खून दिया था। देख कैसा सूख गया है ये। इसी तरह गांव का हर घर उजड़ता जाएगा। कैसे बदलाव लाएगा तू? कैसे बदलाव लाएगा रेड्डी? Ah!
यह धरती भी चाहती है कि तू हथियार उठाए। उठा उठा। राघव, ये पहले जैसा नहीं है। इस बार तुम नजदीक हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, और फिर भी मैं चाहती हूं कि तुम हमें मत बचाओ। मुझे सब कुछ पता है तुम्हारे साथ क्या हुआ है, लेकिन अभी जो होने वाला है वो तुम्हें लिखना है राघव। कुछ नया लिखने की कोशिश करो। क्या नहीं कोशिश करूं अभी? ये ऐसा गांव है जहां दो लोग मर रहे हैं पर कोई उनकी मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा है। क्या नहीं कोशिश करूं मैं? इसके 10 साल के बेटे की जिंदगी को इसी ने लिखा है। बॉम्ब बनाना है, जेल जाना है, बेल लेकर आजादी से जीना है। बॉम्ब बनाते वक्त अगर बॉम्ब उसके हाथ में फट जाता है तो इसी की तरह इसका बेटा भी एक हाथ से अपाहिज होगा। मैं क्या नया लिखूं ऐसे लोगों के लिए? यहां का हर रास्ता आंसुओं से भरा है। हर एक घर में आम के सूखे पत्ते टंग रहे हैं। पूरा गांव दर्द से रोता है और उनकी जिंदगी पर खून से हस्ताक्षर करने वाला ये। इस पर कुछ नया लिखने के लिए बचा ही कहां है? खून से सींचे इस गांव में बदलाव लाना चाहता था मैं, लेकिन ये कहता है कि उसके लिए तलवार उठाओ। खून से बदलाव कैसे आएगा? मैं तो इसे जानता तक नहीं। मारप्पा नाम है इसका, तो मैं इसे कैसे मार दूं? दो लोगों को बचाने के लिए 3 लोगों की जान लूं? मैं ये जंग नहीं चाहता। यहां चारों तरफ बस मौत की चीखें हैं। इस पर मैं क्या लिखूंगा अभी? क्या बे मारप्पा, ऐसे खड़े होकर क्या देख रहा है? मैंने उसके पिता को मारा था और वो आज हम सबके लिए अपने आंसू बहा रहा है। ऐसे इंसान के खिलाफ गए तो हमारी जिंदगी नरक है। उठा। मारप्पा, तुम दोनों मेरे बच्चों जैसे हो और तुम मेरे खिलाफ जा रहे हो। आपने अपने बेटे को बहराई में से मार डाला, और अब भी आप कह रहे हैं हम आपके बच्चे हैं? सुपा, छोटे मालिक आप परेशान ना हो, इन्हें कुछ नहीं होगा। सुब्बा अपनी जुबान के लिए जान निछावर कर देगा, यकीन नहीं तो इनसे पूछो। ए सुब्बा, 30 सालों से तुझे मैंने अपने बच्चे की तरह पाला और आज तू मेरे खिलाफ जा रहा है, आखिर क्यों? बसी रेड्डी, पूछा था ना बदलाव कैसे लाऊंगा? ऐसे ऐसे लाऊंगा। अपनी बातों से मुझे बाल रेड्डी की तरह बदलना चाहता है, लेकिन ना मैं बाल रेड्डी हूँ ना सुबदो हूँ। खून का प्यासा बसी रेड्डी हूँ मैं, मुझे कैसे बदलेगा? कैसे? ऐसे जब तेरे बेटे से मिला तो मुझे उम्मीद थी कि बदलाव की शुरुआत होगी, लेकिन तूने उस उम्मीद को ही मार दिया। आज तेरे ही लोग तुझसे मुंह फेर के कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उम्मीद फिर जगी है। अब वो उम्मीद मरने नहीं दूंगा, इसीलिए आज मैं तुझे मार रहा हूँ। जब तक तू जिंदा है ये शांति से नहीं रहेंगे, लेकिन तेरा जीना भी जरूरी है और तेरा मरना भी, और इसीलिए मैं तेरी मौत के बारे में इंसान तो क्या किसी परिंदे तक को खबर नहीं होने दूंगा। तूने
तूने मेरे पिता को मारा उसका बदला लेने के लिए तुझे नहीं मार रहा बसी रेड्डी, तूने अपने बेटे को मारा इसीलिए मार रहा हूँ। तू ऐसे और कई बच्चों को मारेगा इस डर से तुझे मार रहा हूँ। जिसे सबूत की जरूरत है उसके लिए सबूत लेकर आया हूं। मेरा पति ही अपने बेटे का खून करके भाग गया, यही कंप्लेंट है, लिख लो। आइए मां जी। कहां ले जा रहे हो इन्हें? नॉमिनेशन के लिए। राघव रेड्डी, इमोशंस में ये फैसला मत लो। इन्हें क्या ये सब समझ में आएगा? मौका नहीं देंगे तो पता कैसे चलेगा सर? मेरी दादी, इस लड़ाई में उनका पति मर गया, उनका बेटा मर गया। वो भगवान से हमेशा नाराज रहती कि उन्होंने उन्हें इतने गम दिए, लेकिन कभी ये नहीं चाहा कि बसी रेड्डी मर जाए। मेरी मां पति की मौत के बाद दरवाजे पर अकेली बैठकर रोई, लेकिन कभी भी अपने दुश्मन को उन्होंने श्राप नहीं दिया। मेरी आंटी, उन्होंने कहा जिंदगी में कोई अपना बचा ही नहीं है, पर जाकर दुश्मन को मार दो, ऐसा नहीं कहा उन्होंने। और आज ये मां ये कहने आई हैं कि इनके पति ने इनके बेटे को मारा है ताकि ये दंगा फसाद और ना बढ़े। ऐसे महान लोगों से हम अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते। आज आप एक मां की काबिलियत को परख रहे हैं, भूलिए मत एक मां ने ही आपको दूध पिलाया था। जब ये हमारा घर हमसे बेहतर चलाती हैं, तो ये राज्य चलाना इनके लिए मुश्किल नहीं है। ये यहां की एमएलए हैं। मैं, मेरा खानदान, मेरा पूरा गांव, कोई इनके खिलाफ खड़ा नहीं होगा। कोई है जो खड़ा होगा? कोई नहीं है। चलिए मां जी। तो इसका मतलब इस घर में कोई भूत नहीं है, ये बसी रेड्डी के आदमी है। उन्होंने ऐसा दरवाजा बनाया है जो अंदर से टूट सके, ताकि उन लोगों में जीने की इच्छा पैदा हो। उसने फ्रिज में उनके लिए काफी सारा खाना भी रखा है और एक बॉक्स में चाबी बनाकर रखी है ताकि वो लोग दरवाजा खोलकर भाग सके। और आज हमें पता चला है कि ये रहस्य उन्होंने सुलझा लिया और इसीलिए हम यहाँ आए। Ha 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 ha!
लेकिन अगर इन्होंने कोई तकलीफ पहुंचाई तो? इंसान को पता हो कि कैसे जीना है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। ये मैं नहीं, वो कहता है। चाय पीने के बाद अपनी तलवार उठाकर इस एड्रेस पर आ जाना। Thank you.